मूवी में आजकल विलेन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आप तो समझ ही गए होंगे कि जेब चैप्टर 2 में संजय दत्त का विलेन का कैरेक्टर से पूरी मूवी कितना ब्लॉकबस्टर हुई पब्लिक और के जेब चैप्टर 2 मूवी का डायरेक्टर बेखूबी से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे आने वाले मूवी के खतरनाक विलेन कौन होने वाला है। लिस्ट पर नंबर 1 पर है जूनियर NTR। NTR ऋतिक रोशन का वार 2 मूवी में खतरनाक विलेन का रोल करने वाले हैं। वार 2 एक खतरनाक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। वार मूवी को डायरेक्ट किए थे सिद्धार्थ आनंद, लेकिन अब वार 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी खतरनाक VFX वाले ब्रह्मास्त्र मूवी बना चुके हैं। ये मूवी 25 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। नंबर 2 संजय दत्त। ये एक ऐसे विलन का कैरेक्टर प्ले करते हैं कि सभी पब्लिक इसका विलन का कैरेक्टर देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। कि जेब चैप्टर 2 और लियो जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी में विलन का कैरेक्टर पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब संजय दत्त आई स्मार्ट 2 मूवी में विलन का रोल प्ले करेंगे। ये मूवी 2019 में आई स्मार्ट शंकर का सीक्वल होने वाला है। संजय दत्त का एक और मूवी केडी द डेविल मूवी आने वाली है। केडी द डेविल मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है और ये मूवी जहां से KGF चैप्टर 2 मूवी आई थी यानी कनाडा इंडस्ट्री से आई थी KGF चैप्टर 2 मूवी, वहीं से केडी द डेविल मूवी आने वाली है और केडी द डेविल मूवी में संजय दत्त ही विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। नंबर 3 बॉबी देओल। एनिमल मूवी में 10 मिनट का केमियो करके बॉबी देओल का फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल हो गई है। अब बॉबी देओल का अगली मूवी कंगवा मूवी में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। कंगवा मूवी के मेकर्स ने बॉबी देओल के जन्मदिन पर एक फोटो पोस्ट किए हैं। इस पोस्ट में बॉबी देओल बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। इस मूवी के कास्ट में होंगे सूर्या, दिशा पाटनी, जगपति बाबू, प्रकाश राज जैसे महान कलाकार देखने को मिलेगा। ये एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। इस मूवी को 38 लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। ये मूवी बहुत बड़ी पैन इंडिया रिलीज की जा रही है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवा सर। बॉबी देओल का एक और मूवी हरी हरा वीरा मल्लू मूवी आएगी। ये मूवी पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है। इस मूवी में बॉबी देओल पवन कल्याण के साथ टकराने वाले हैं। ये मूवी जल्द ही हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। नंबर 4 सैफ अली खान। जूनियर NTR का देवरा मूवी में NTR के साथ खतरनाक विलन का रोल प्ले करेंगे सैफ अली खान। इस मूवी के कास्ट में होंगे NTR, सैफ अली खान और जानवी कपूर जैसे खतरनाक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ये मूवी 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। नंबर 5 कमल हसन। कल्की 2898 मूवी में कमल हसन मैन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। ये मूवी साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। इस मूवी के मैन हीरो प्रभास होने वाले हैं। मूवी को कास्ट करेंगे दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, अमिताभ बच्चन, दुलकर सलमान और कमल हसन। ये मूवी अभी तक इंडिया के सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी कहा जा रहा है। इस मूवी का बजट 600 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नाग अश्विन। ये मूवी 9 मई 2024 को रिलीज होगी। नंबर 6 पृथ्वीराज सुकुमारन। बड़े मियां छोटे मियां मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन ही विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ से एक ही विलन टकराने वाले हैं, वो है पृथ्वीराज सुकुमारन। ये मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस मूवी को ईद 2024 में रिलीज की जाएगी। नंबर 7 रॉकिंग स्टार यश। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 देने के बाद रॉकिंग स्टार यश
पैन इंडिया एक्टर बन चुके हैं। यश रामायण मूवी में रावण का रोल प्ले करेंगे। रामायण मूवी में रावण का किरदार रणवीर कपूर एंड सीता मैया का किरदार साई पल्लवी को बताया जा रहा है। वहीं पर रावण का रोल रॉकिंग स्टार यश करने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं इंडिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दंगल मूवी के डायरेक्टर नीतीश तिवारी। ये मूवी 2025 में देखने को मिलेगा। नंबर 8, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर का तो बॉलीवुड में उतना अच्छा करियर नहीं रहा है, लेकिन डूबती नैया को पार कराने के लिए रोहित शेट्टी सिंघम अगेन मूवी में अर्जुन कपूर विलन का रोल प्ले करेंगे। सिंघम अगेन मूवी 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। नंबर 9, सूर्या। रोलेक्स मूवी में सूर्या का केमियो थोड़ा सा था, लेकिन उसी में सूर्या सर ने एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। अब सूर्या सर विक्रम 2 में खतरनाक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। नंबर 10, अक्षय कुमार। साइको मूवी में अक्षय कुमार बहुत ही खतरनाक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। साइको मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस मूवी में अक्षय कुमार बहुत ही डेंजरस विलन का रोल प्ले करेंगे। इससे पहले रोबोट 2.0 जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी में अक्षय कुमार विलन का रोल प्ले कर चुके हैं। कौन से विलन देखने के लिए एक्साइटेड हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जाते जाते यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।